हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आपका स्वागत है प्रेम लेजेंड लाइव के चैनल पे। तो आज हम करने वाले गाइस हमारा जो फ़ोन है रियल मी नार्जो 20 प्रो, उसका गेम प्ले टेस्ट जो कि एंड्रॉयड 12 के बाद कैसे चलता है। तो बिना किसी देरी के हम करते हैं वीडियो को चालू। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज हम डायरेक्टली आ चुके हैं होम स्क्रीन पे। आपको दिखाना पड़ता है ना कि एंड्रॉयड 12 ही है। तो दिखाते हैं हम पहले अबाउट डिवाइस में जाके। ओके, तो आप देख सकते हैं इधर हमारा रियल मी UI 3.0 जो कि ट्रायल वर्जन में फ़िलहाल हमको अर्ली एक्सेस मिला है। ओके, तो जो फॉर्म भरा था मैंने उधर से, मैंने सॉफ्टवेयर अपडेट से फॉर्म भरा था। ओके, तो ये डायरेक्टली मुझे अवेलेबल हो चुका है। आप देख सकते हैं ये प्रोसेसर वगैरह। तो मैंने गेम आपको दिखा तो कहाँ से स्टार्ट किया, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है। ओके, माई गेम्स से, और डायरेक्टली प्ले के ऊपर क्लिक कर दिया था मैंने। तो इधर हमको एक फंक्शन देखने को मिलता है गाइस, परफॉर्मेंस सेटिंग्स, नए नए फंक्शन। ये तो पहले से था परफॉर्मेंस सेटिंग, तो इसको थोड़ा सा अपडेट कर दिया इन लोगों ने। ओके, और एक नया फीचर मिलता है गाइस जो कि बहुत दिनों से मैं इसका वेट कर रहा था, जो कि है वॉइस चेंजर गाइस। तो आप देख सकते हैं इधर वॉइस चेंजर आ चुका है, नाइट और बाकी कुछ इफेक्ट्स है। ओके, तो उसका मैं आपको एक अपना टेस्ट दिखाता हूँ कैसा आवाज़ है उसका। ओके, हेलो गाइस, चैनल पे नए होगे तो सब्सक्राइब कर देना जरूर। तो गाइस आपने सुन लिया होगा वो चीज़। तो मैं आपको ग्राफिक सेटिंग भी दिखा देता हूँ, स्मूथ और अल्ट्रा आपने देख लिया होगा। मैंने GFX लगाया गाइस, वहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मैंने GFX लगाया 60 FPS के ऊपर अपना गेम रन कर रहा है। अभी हमें TDM लगाते हैं। ओके, TDM में हमको सब कुछ उसका परफॉर्मेंस पता चलेगा। ओके, एक नया फीचर आएगा गाइस, सिस्टम स्टेटस देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पे। इसमें FPS GPU के ऊपर क्लिक करने के बाद ये ऐसे एक्सपांड होता है। ओके, और ऐसे करने पे छोटा हो जाता है। तो गेम चालू होने देते हैं TDM, और मुझे फ़र्क तो बहुत लग रहा है गाइस गेम प्ले में। जैसे कि आप देख सकते हैं 60 FPS तो आ रहे हैं अपने को, वो तो आने ही चाहिए ऑब्वियसली, पर गेम प्ले में मुझे फ़र्क बहुत लग रहा है। और स्मूथ मतलब पहले से बहुत ज़्यादा फ़र्क है, और मुझे बहुत पसंद आया इस बार का अपडेट। पर उसमें बहुत सारे बग्स भी है गाइस, एंड्रॉयड 12 में बहुत सारे बग्स हैं। मैंने बहुत बहुत बग्स हैं, मैं बता भी नहीं सकता आपको इतने बग्स हैं, उसकी अलग से वीडियो बन जाएगी इतने बग्स हैं। पर गेम बहुत स्मूथ चल रहा है, गेम प्ले में कुछ दिक्कत नहीं है। और जो हम पहले गेम खेलते थे गाइस, आर्क सर्वाइवल इवॉल्व्ड, वो एंड्रॉयड 12 में चल ही नहीं रहा गाइस, वो क्रैश हो रहा है। तो वो एक चीज़ है। ओके, तो आप थोड़ा सा गेम प्ले देख लो। The lead.
तो गाइस और एक चीज़ आप देख सकते हैं, इधर लेफ्ट में हमारा टाइमिंग ऐड कर दिया उन्होंने गेम स्पेस में, और अपना फोटो 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी दिख रहा है। और एक वॉइस चेंजर में गाइस आप डिस्कॉर्ड में भी अप्लाई कर सकते हो, ऊपर तो देख में देख सकते हो आप डिस्कॉर्ड में भी अप्लाई कर सकते हो। और वॉइस फीडबैक अगर अपने ईयरफोन पहना होगा तो ये ऑन करके ओके वो आपको आवाज़ अपना रिप्ले होगा ओके। ये सब फंक्शंस न्यू ऐड किए उन्होंने जो कि बहुत ही सही है। और ये गेम स्पेस गाइस वन प्लस का ओके, वन प्लस का इसमें रियलमी ने वाले में डाल दिया जो कि बहुत ही सही है। और गेम प्ले एकदम मक्खन चलता है गाइस। और इधर अपना गेम ख़त्म हो गया ओके, विक्ट्री हो गया, चलो जीत गए हम। अभी हम जजक ले आते हैं लॉबी में। और एक और फंक्शन है गाइस, टच ऑप्टिमाइजेशन, देख सकते हैं आप। टच ऑप्टिमाइजेशन ऑन करने से वो जो फंक्शंस रहते हैं वो एनेबल हो जाते हैं हमारे, देख सकते हैं नोटिफिकेशन ड्रॉ, नोटिफिकेशन ऊपर से मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ फिर भी कुछ नहीं हो रहा है ओपन। और ब्लॉक स्क्रीनशॉट, मैं स्क्रीनशॉट खींचने की ट्राई कर रहा हूँ नहीं हो रहा है, स्प्लिट स्क्रीन करने का भी ट्राई कर रहा हूँ नहीं हो रहा है ओके, वो जो थ्री फिंगर से करते हैं। और गाइज और हम एक चीज़ बताना चाहता हूँ मैं आपको, ये जो FPS है आप इसको कट नहीं कर सकते, इसको आपको गेम स्पेस के अंदर ही उधर से इधर आप किधर भी हिलाओ वो नहीं होगा, आपको गेम स्पेस के अंदर ही जाके उसको कट करना पड़ता है। तो गाइज वीडियो का हम करते हैं इधर ही एंड। तो गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर देना। मिलते हैं ऐसे एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज, टेक केयर, सी यू, टाटा।